हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम बातचीत करेंगे UGC NTA NET इकाई 5 के अंतर्गत हिंदी कविता के संदर्भ में। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकालीन कवियों पर चर्चा कर लिया है। आज के लेक्चर में हम आधुनिक हिंदी कवि एवं कविताओं की पंक्तियों और परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे, जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। हालांकि इस लेक्चर को तैयार करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगा, आप लोगों ने इसका इंतज़ार किया, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। हम भी लगातार इन तथ्यों को एक जगह कलेक्ट कर रहे थे और इस लेक्चर में हम कुल 12 हिंदी के कवियों को शामिल किए हैं, जो कि आधुनिक काल से संबंधित हैं, यानी कि भारतीय युग से लेकर नई कविता तक के कवि शामिल हैं। तो चलते हैं, सीधे बात करते हैं। पहले जो कवि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, जिसका नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास पर चर्चा करें तो हरिऔध को गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है, इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है। प्रिय प्रवास का पुराना नाम व्रजांगना विलाप था, ठीक है, व्रजांगना विलाप, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है कि यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है, यानी कि ये जो प्रश्न है, ये बिंदु जो है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। अभी हाल ही में UPPGT या TGT के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ था। अगर प्रिय प्रवास के प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन सन 1914 ईस्वी में हुआ था और इसमें कुल 17 सर्ग हैं, 17 सर्गों में विभाजित है। इसकी विषय वस्तु पर चर्चा करें तो राधा कृष्ण को आधार बनाकर यह महाकाव्य लिखा गया है, जिसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। यह महाकाव्य खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आप लोग इसको पहले से भी जानते होंगे। अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो प्रिय प्रवास को उस जमाने का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था, यानी कि जो आज भारतीय ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी का महत्व है, उस जमाने में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिलना किसी भी रचना के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अगर इसके मुख्य पंक्तियों पर चर्चा करें प्रिय प्रवास के, तो कुल 17 सर्गों में है, तो हमने पूरे पंक्तियों को नहीं लिया है। परीक्षा में जो पंक्ति ज़्यादातर पूछी जाती है उस पर हम बात करेंगे। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। ये जो पंक्ति है बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट पंक्ति। अगली पंक्ति है कि प्रियतम अब मेरा कंठ में प्राण आया तो फिर निज पापी प्राण मैं क्यों रखूंगी, यदि मिल न सकेगा जीवन आधार मेरा सच सच बतला दो प्राण प्यारा कहाँ है। तो ये भी पंक्ति काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगले रचनाकार के बारे में चर्चा करें तो उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त, जो कि द्विवेदी युगीन कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी के सबसे चहेते कवियों में से एक। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। इससे पहले मैंने जो अयोध्या प्रसाद हरिऔध के बारे में चर्चा किया, तो उनको सूरदास कहा जाता है आधुनिक काल का, और मैथिली शरण गुप्त को तुलसीदास कहा जाता है। गुप्त जी को भारत भारती लिखने की प्रेरणा मुसद्दे हाली और कैफी द्वारा लिखी गई भारत दर्पण से मिली है। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार पूछा जाता है कि भारत भारती, जिसका प्रकाशन सन 1912 ईस्वी में हुआ था और जैसे ही प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखिए कि उस समय स्वाधीनता आंदोलन का समय था और पूरा तहलका मचा कर रख दी थी ये रचना, और इस क्यों लिखा गया था, प्रभावित थे मैथिली शरण गुप्त मुसद्दे मुदस्से हाली और कैफी से, जिनकी रचनाएँ भारत दर्पण, ठीक है। भारत भारती लिखने के कारण गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी, जो आज हम बहुत ही गौरव से जो चीज़ कहते हैं कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, तो इस उपाधि को दिया था उस समय के नेता महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। इसके प्रकाशन पर हमने पहले ही बता दिया कि इसका प्रकाशन सन 1912 ईस्वी में हुआ था। भारत भारती कुल 3 खंडों में विभाजित है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला खंड है अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। इन खंडों में विभक्त है, यानी कि जो समय का निर्धारण है उसी के आधार पर भारत भारती भी लिखा गया है। अगर इसके कुछ पंक्तियों पर चर्चा करें तो पहली इसमें पंक्ति है कि हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भव भूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यहीं विस्तार है। तो पंक्तियों को आप देख रहे हैं कि कितनी उत्तेजक और
क्रांति से भरने वाली पंक्तियाँ हैं और अपनी जो संस्कृति है, परंपरा है, उसके तरफ भी संकेत कर रही हैं। आगे लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त कि उद्देश्य कविता का प्रमुख श्रृंगार रस ही हो गया, उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया, कवि कर्म कामुकता बढ़ाना रह गया, देखो जहाँ वह वीर रस भी स्मर समर में हो गया परिणत यहाँ। अगले खंड में चर्चा करते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं, जान लो इसका पता, जो थे कभी गुरु न उसमें शिष्य की भी योग्यता। और जो पंक्ति आगे चर्चा करने जा रहा हूँ ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। और अगली जो पंक्ति है वो तो और इंपॉर्टेंट है कि जब काव्य प्रयोजन इत्यादि हम पढ़ते हैं तो उसमें ये पंक्ति कई बार आती है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये काव्य प्रयोजन काव्य उद्देश्य कि जब हम चर्चा करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र में तो ये पंक्ति सहर्ष ली जाती है और परीक्षा में बहुत बार पूछी जा चुकी है। अगली पंक्ति है हिंदी के बारे में लिखते हुए मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि इस योग्य हिंदी है तदपि अब तक निज पद पा सकी, भाषा बिना भवायकता अब तक न हम में आ सकी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने भारत भारती के बारे में चर्चा कर लिया, कुछ उसके तथ्यात्मक चीज़ों पर और कुछ पंक्तियों के ऊपर। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आ रहा होगा और जो आपकी तैयारी चल रही है अंतिम चरणों में है उसमें ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में लेक्चर सहायक होगा। अगली रचना है साकेत नवम सर्ग और ये रचना लगभग सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। वैसे साकेत में कुल 12 सर्ग हैं लेकिन नवम सर्ग जो कि उर्मिला विरह के नाम से फेमस है सभी पाठ्यक्रमों में पाया जाता है। अगर बात करें तो साकेत लिखने की प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त को सरस्वती पत्रिका सन 1908 में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली और महावीर प्रसाद द्विवेदी को इसकी जो प्रेरणा मिली थी वो बांग्ला के ये कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता एक लेख से मिली थी और बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे सरस्वती पत्रिका में छापा और वहीं से मैथिली शरण गुप्त ने इसे प्रेरणा लेते हुए साकेत नाम से एक महाकाव्य लिखा। आमतौर पर आप देखेंगे कि रामचरित मानस या रामायण पर आधारित जितने भी महाकाव्य लिखे गए थे उसमें राम और सीता केंद्र में रखे गए थे, लेकिन सबसे पहली बार मैथिली शरण गुप्त ने एक उपेक्षित नारी उर्मिला को अपने काव्य का विषय वस्तु बनाया है और एक पुरुष होते हुए स्त्री के मन में क्या चल रहा है उसको पकड़ने की कोशिश की है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर आप स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो पहले ध्यान में रखिए कि मैथिली शरण गुप्त ने क्यों लिखना शुरू किया साकेत। तो मैंने यहाँ बताया कि उर्मिला विषय उदासीनता नामक एक लेख उन्होंने पढ़ा जिसका प्रकाशन सन 1908 ईस्वी में सरस्वती में हुआ था और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे लिखा था। और आप जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त के गुरु भी माने जाते हैं। कई बार सवाल पूछा गया है तो ध्यान में रखिए, मेरी कोशिश रहती है कि सभी लेक्चर आपको कहानी के रूप में आपके दिमाग में बैठ जाएँ ताकि एग्जाम में जैसे जाएँ तो मेरी एक एक ध्वनि आपके दिमाग में तुरंत उतरना शुरू हो जाए कि हमने तो इस चीज़ को पढ़ा था, मेरा आंसर कैसे गलत हो सकता है। ठीक है, अगर आगे पॉइंट में चर्चा करें तो साकेत पाली शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। तो ध्यान में रखिए साकेत हिंदी का शब्द नहीं है बल्कि ये पाली से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है अयोध्या। और आप जानते हैं कि अयोध्या के ही आसपास की घटना पूरी रामायण की रही है, तो जाहिर सी बात है कि साकेत का अर्थ क्या है, अयोध्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को एक सामंजस्यवादी कवि के रूप में देखा है जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें जनवादी माना है। और साकेत के अगर प्रकाशन की चर्चा करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1931 है, हालांकि इसके लिखने की शुरुआत सन 1913-14 के आसपास से ही हो गई थी लेकिन 15-16 साल इसको लग गए थे लिखने में। तो हो सकता है कि एग्जाम में कई बार आ जाता है प्रश्न कि कितने वर्षों में कंप्लीट हुई, जैसे कि मैं आवारा मसीहा के बारे में चर्चा कर रहा था तो वहाँ पर भी इस तरीके का सवाल आया था कि कितने वर्षों में कंप्लीट हुआ था। तो मैं भी साकेत से भी आ सकता है कि कितने वर्षों में कंप्लीट किया। तो एक मोटे तौर पर आप ध्यान रखिए कि कम से कम 15-16 साल लगे थे साकेत को लिखने में। और सही मायने में इसका जो प्रकाशन है अंतिम रूप में ये पुस्तक के रूप में जब सामने आई तो सन 1931 ईस्वी था। ठीक है, यह कुल 12 सर्गों में विभक्त है लेकिन उन 12ों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सर्ग है तो वो नवम सर्ग है जिसे कि उर्मिला के विरह वर्णन के रूप में उसको जाना जाता है। तो ध्यान में रखिए इस चीज़ को, इसका नवम सर्ग उर्मिला यानी लक्ष्मण की पत्नी के विरह वर्णन से संबंधित है। अगर पंक्तियों पर चर्चा करें तो है कि दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पुतशीला, त्याग भी है शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पूर्ण देही विदेही, विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस दो पद भी न हुए आहा,
कठिन है कविते तब भूमि ही पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। तो ये पंक्तियाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में इसको रखिए। अगली पंक्ति है राम के बारे में, लिख रहे हैं मैथिली शरण गुप्त कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। ठीक है, तो ये मैथिली शरण गुप्त ने राम के बारे में लिखा। अगली पंक्ति है कि मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, जलती सी उर्विरह में बनी आरती आप, ये उर्मिला के बारे में है। अगली पंक्ति है पहले आँखों में थे मानस में कुदमग्न प्रिय अब थे, छींटे वहीं उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। देख रहे हैं कि एक एक पंक्ति में विरह का रूप दिखाई पड़ रहा है। अगली पंक्ति है मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती है मूल भूल। ठीक है, तो ये साकेत से ली गई पंक्तियाँ हैं और नवम सर्ग में उर्मिला के विरह के रूप में। अगली जो पंक्ति ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति, कई बार ये परीक्षा में पूछी जा चुकी है, इसको एकदम से ध्यान में बैठाइए। वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। ठीक है, तो कई बार ये महादेवी वर्मा की पंक्ति से मिलती जुलती है, क्योंकि महादेवी वर्मा को वेदना की कवि कवयित्री माना जाता है, तो लगता है कि ये महादेवी वर्मा ने लिखा होगा, लेकिन ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है जो कि उर्मिला विरह से ली गई है। अगली जो पंक्ति है ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि सखी नील नभस्तर में उतरा, निकला जिनको चरता चरता, अब तारक मौतिक शेष नहीं, यह हंस आहा तरता तरता। ठीक है, निकाल जिनको चरता चरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, यह हंस आहा तरता तरता। तो पहली पंक्ति को ध्यान में रखिए, सखी नील नभस्तर में उतरा, ये साकेत से ली गई है। अगली पंक्ति ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन ने सर सरसाए, घूमे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। देखिए विरह को आधार बनाकर हिंदी साहित्य में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं, जिनमें कि आपने सुना होगा नागमती वियोगखंड, नागमती का विरह वर्णन, गोपियों का विरह वर्णन, और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए साकेत में उर्मिला का विरह वर्णन। तो नागमती का विरह वर्णन आपने पढ़ा होगा, उसमें कैसे कैसे बारहमासा शैली के आधार पर नागमती के चरित्र में परिवर्तन आता है, और वो प्रकृति इत्यादि से ज़्यादा ही बातचीत करती है, मनुष्यों से कम बात करती है, वैसे ही उर्मिला एकांत में है और ये प्रकृति से ही बातें कर रही हैं। और आप अपने जीवन में भी देखेंगे, जब आप दुखी रहते हैं तो लगता है कि ये मनुष्यों से क्या बातचीत करना है, कोई पेड़ से बात करता है, कोई पशु से बात करता है, कोई किसी से बात करता है, तो वो दुख में एकांत में रहने की कोशिश करता है। अगली जो पंक्ति है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। ठीक है, ये भी पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगली पंक्ति है कि कह कथा अपनी इस घ्राण से, उड़ गए मधुसौरभ प्राण से, फल मिले हमको तुमको सखी, तदपि बीज रहे सब त्राण से। तो ये साकेत की कुछ पंक्तियाँ थीं और साकेत से संबंधित हमने कुछ तथ्यों पर विचार किया, उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। चलते हैं अगले कवि पर चर्चा करते हैं, जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचना है आंसू, आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। आंसू का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है, और मेघदूत कहने का मतलब है कि कालिदास की एक रचना है मेघदूत, और जयशंकर प्रसाद की जो रचना आंसू है उसकी तुलना की गई है। तो हिंदी का अगर मेघदूत कोई है तो वो आंसू है। इसका प्रकाशन सन 1925 ईस्वी में हुआ था। यह विरह प्रधान स्मृति काव्य है। ठीक है, एक होता है कि विरह प्रधान काव्य, लेकिन यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करते हुए उसे कविता का रूप दिया है, इसीलिए इसका नाम विरह प्रधान स्मृति काव्य है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आंसू किस प्रकार का काव्य है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में विरह प्रधान रहेगा और प्रेम प्रधान रहेगा, इस तरीके से ऑप्शन बने रहते हैं, तो आपका आंसर होगा विरह प्रधान या स्मृति काव्य। इसमें छंदों की चर्चा करें तो कुल 133 छंद पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ पंक्तियों पर चर्चा कर लेते हैं आंसू की, जो कि ये जो मैं पंक्ति पढ़ने जा रहा हूँ ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाया, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आया। ठीक है, बरसने आई, तो ये जो पंक्ति है ये परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है, आप इस पंक्ति को देखते ही तुरंत दिमाग में बैठा लीजिए कि आंसू से ली गई है, और इसके जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद हैं। जो घनी भूत पीड़ा थी, कई बार एक ही पंक्ति उठा ली जाती है लेकिन आप पूरा इसको ध्यान में रखें, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाया, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ठीक है, अगली जो पंक्ति है
रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। ये आंसू चली गई है। अगली पंक्ति है, पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी से फुलवारी में, किसले नौ कुसुम बिछा कर आए तुम इस क्यारी में। देखिए ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की, लेकिन अगर विकल्प में सुमित्रा नंदन पंत रहेंगे तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कभी कहा जाता है तो लगेगा कि ये पतझड़ इत्यादि चर्चा की गई, फुलवारी है, किसलय पर बात कही गई है, क्यारी है, तो ये पंत की पंक्ति हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ये प्रसाद की पंक्ति है। अगली जो पंक्ति है कि बाधा था विध कुछ किसने, इन काली जंजीरों से मड़ी वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। ये पंक्ति कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसको ध्यान में रखिए। अगली जो पंक्ति है, नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में लाया, इस बीहड़ बेला में क्या अब तक था कोई आया। ये जो पंक्ति है ये आंसू से ली गई है, और देखने में अगर विकल्प में लहर, क्योंकि आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की एक रचना लहर भी है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि ये आंसू की पंक्तियाँ हैं, आंसू ग्रंथ से ली गई हैं जो कि स्मृति प्रधान काव्य है, लहर से नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन जो कि परीक्षाओं में कई बार पहाड़ की तरह आपके सामने खड़े हो जाते हैं और फिर लगता है कि काश कोई बताने वाला होता, तो जो भी मेरा अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा है, उसको मैं यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करता हूँ, और चाहता हूँ कि एक एक छोटी छोटी चीज़, बड़ी बड़ी चीज़ें तो आप जान जाएंगे, बहुत सारी किताबों में मिल जाएंगी, बताने वाले भी लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मेरा ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई जाएँ। अगली जो पंक्ति है, उच्छ्वास और आंसू में विश्राम थका सोता है, राई आँखों में निद्रा बनकर सपना होता है। तो आप जानते हैं कि उच्छ्वास नाम की एक रचना है जयशंकर प्रसाद की, तो ये जो पंक्ति है आंसू से ली गई है और उच्छ्वास के बारे में भी थोड़ा सा ये संकेत कर रहे हैं। अगली जो पंक्तियाँ हैं, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। ये भी पंक्ति कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगली रचना पर हम चर्चा करें तो जयशंकर प्रसाद जिसके वजह से जाने जाते हैं वो रचना है यानी कि कामायनी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कामायनी की भूमिका में जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, आमतौर पर आप किताबों को पढ़ेंगे या फिर जो ऑब्जेक्टिव किताबें हैं उनमें बहुत कम ये तथ्य आपको मिलेंगे, इसलिए लेक्चर को इस दृष्टिकोण से सुनिए या देखिए कि इसमें नया क्या है। ठीक है, कोशिश ये रहती है कि बदलते हुए पैटर्न के आधार पर आप अलग अलग एंगल से प्रश्नों को देखने की कोशिश करें। वैसे आप लोग प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे, प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आप थ्योरेटिकल यानी कि विषयनिष्ठ जानकारी को ध्यान में रखेंगे तो और आप परीक्षा में बेहतर करेंगे, वरना प्रैक्टिस एक ही टाइप का करते करते लगेगा कि हमने खूब प्रैक्टिस कर लिया है, लेकिन बाद में अगर आप सब्जेक्टिव तैयारी नहीं किए रहेंगे तो हमेशा कमी बनी रहेगी। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद कामायनी की भूमिका में लिखते हैं कि जल प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही प्राचीन घटना है जिसने मनु को देवों से विलक्षण, मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया, वह इतिहास ही है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में जल प्लावन की घटना पर आधारित कौन सी रचना है, तो इसका जवाब होगा कामायनी। आप खूब याद करेंगे कि कामायनी का प्रकाशन कब हुआ, कितने सर्गों में है, सब कुछ याद कर लेंगे, लेकिन ये नहीं ध्यान में रखेंगे कामायनी की पृष्ठभूमि क्या रही है, तो वो जल। अगला जो पॉइंट है, इस घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है, यानी कि जो जल प्लावन की घटना हुई है वो शतपथ ब्राह्मण। आप वेद पढ़े होंगे तो वेदों के भी कई उपवेद रहे हैं या फिर शाखाएं रही हैं, उसमें इस चीज़ की चर्चा की जाती है कि भारतीय इतिहास में एक बार जल प्लावन की घटना हुई थी, इसका जिक्र 8वें अध्याय में मिलता है। अगला जो पॉइंट है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार GDC के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, तो ध्यान में रखिए तथ्यात्मक रूप में कि श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। जब आप कामायनी महाकाव्य पढ़ेंगे तो उसमें मुख्य तौर पर मनु, श्रद्धा, ईड़ा का नाम आता है, तो इसमें जो श्रद्धा है वही कामायनी है। ठीक है, जो पुस्तक का नाम रखा है प्रसाद ने वो श्रद्धा का दूसरा नाम कामायनी है, तो ध्यान में रखिए, इसको कहानी के रूप में याद रखिए। अगला पॉइंट है कि जल प्लावन का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 8वें अध्याय से आरंभ होता है, जिसमें उनकी नाव के उत्तरगिरी हिमवान प्रदेश में पहुंचने का प्रसंग है। अगर कामायनी के प्रकाशन वर्ष पर चर्चा करें तो इसका कई जगह लिखा रहता है कि 1935 में प्रकाशित हुई थी, कई किताबों में मैंने देखा कि 1936 भी लिखा गया है, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो 1935 इसका सही जवाब होगा। यह कुल 15 सर्गों में विभक्त है, ये तो ध्यान में रखिए कि जो पहला सर्ग है वो चिंता है और
आखिरी जो सब सर्ग है वो आनंद है। तो देख रहे हैं दोनों सर्गों में कितना अंतर विरोध है कि कामायनी की शुरुआत जो होती है वो चिंता से होती है, लेकिन उसका अंत जो होता है वो आनंद में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहला सर्ग कौन सा है और आखिरी सर्ग कौन सा है। आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तीन सर्ग लगे हुए हैं, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि श्रद्धा कौन सा सर्ग है, तो आप अंगुलियों पर गिनना शुरू कर देंगे और परीक्षा में आप जानते हैं कि कितना मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है और वहाँ पर गिनतियाँ भी भूलने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए कि श्रद्धा तीसरा सर्ग है, लज्जा छठा सर्ग है, ईड़ा नवा सर्ग है। तो इसको एक जगह कलेक्ट करके मैंने 369 लिख दिया। ठीक है, 369 में 3 का मतलब श्रद्धा, 6 का मतलब लज्जा और 9 का मतलब ईड़ा। अभी हाल ही में यूपी हायर एजुकेशन में ये प्रश्न आया हुआ था कि ईड़ा कामायनी में कौन सा सर्ग है, तो फिर इसको अंगुलियों पर लोगों ने गिनना शुरू किया और कभी 8वां हो रहा है, कभी 10वां हो रहा है। ठीक है, तो अब इतना मैटर है हिंदी साहित्य में कि कितना याद करेंगे आप। तो कुछ कुछ चीज़ें आप इस तरीके के वीडियोज देखकर नई दृष्टि के साथ याद कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सभी लेक्चर्स आपको बेहद पसंद आ रहे होंगे। ज़रूर कमेंट्स कीजिए, क्योंकि कमेंट्स ही एक सहारा है, एक साधन है, जिससे कि मैं अपने बारे में और अपने वीडियोज़ के बारे में जान सकता हूँ। तो आपने याद कर लिया होगा कि श्रद्धा 3, लज्जा 6 और ईड़ा 9वां सर्ग है। ठीक है, अगर कामायनी के संदर्भ में कुछ आलोचकों पर चर्चा करें तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। नगेंद्र ने इसे रूपक काव्य कहा है। मुक्तिबोध इसे फैंटेसी मानते हैं। ठीक है, और कुछ अगर पंक्तियों पर चर्चा करें तो पंक्तियाँ हैं कि कौन तुम संस्कृत जलनिधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। ये पंक्ति पूछी जा रही है यहाँ पर कामायनी से ली गई है। ठीक है, कई बार आप पढ़ेंगे पंत और महादेवी की कुछ कुछ पंक्तियाँ भी इसी टाइप की आपको दिखाई पड़ेंगी। अगली जो पंक्ति है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब हम बीए की कक्षाओं में रहते हैं या फिर एमए की कक्षाओं में रहते हैं और जयशंकर प्रसाद पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं तो खूब इस पंक्ति का हम उपयोग करते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो ये श्रद्धा सर्ग से ली गई पंक्तियाँ या फिर कामायनी की पंक्तियाँ हैं। और देखिए, ये पंक्ति ना परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट तो है और अलंकार के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये अलंकार के रूप में भी पूछी जाती है। अगली जो पंक्ति है, कौन हो तुम बसंत के दूत विरस पतझड़ में, अति सुकुमार घन तिमीर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ठीक है, अगली पंक्ति है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता मुख का नवल प्रभात। ये भी पंक्ति कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगली पंक्ति है, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। अगली पंक्ति है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका, करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। अगली पंक्ति अगर देखा जाए, नील परिधान के बाद सबसे फेमस पंक्ति आती है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ठीक है, ये पंक्ति आपको याद भी होगी, आपने कई बार इसको उत्तर लिखते हुए यूज भी किया होगा। ध्यान में रखिए कि इसमें श्रद्धा शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन ये श्रद्धा सर्ग का नहीं है। कमेंट्स कर जरूर बताइए कि ये किस सर्ग से लिया गया है। थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए। अगली जो पंक्ति है काफ़ी फेमस पंक्ति है, मनु तुम श्रद्धा को भूल गए, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी, अधिकार और अधिकारी की। ठीक है, ये भी पंक्ति कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगली जो पंक्ति है कि बिखरी अलक ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। ये भी पंक्ति परीक्षा में पूछी गई है कई बार। अगली पंक्ति है, जीवन निशित का अंधकार, भाग रहा क्षितिज के अंचल में, मुख आवृत कर तुमको निहार। और आखिरी में काफ़ी फेमस पंक्ति जयशंकर प्रसाद की, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता की वह कल्पित गेय। तो इस तरीके से हमने कामायनी के तथ्यात्मक और कुछ पंक्तियों पर विचार किया। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आई होगी। अगले जो कवि हैं छायावादी कवि निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं और उनकी कुछ कविताएं लगी हुई हैं, जिनके कि संकलन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी कविता किस संकलन में संकलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निराला पर विचार करते हुए लिखते हैं कि निराला बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। ये कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में कई बार आ चुका है कि बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार विरोधों का सामंजस्य निराला काव्य की अंतर्वर्ती वस्तु है।
यानी कि रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि विरुद्धों का सामंजस्य निराला काव्य की अंतर्वर्ती वस्तु है। अगर आपके पाठ्यक्रम में देखें तो जूही की कली लगा हुआ है, जो कि परिमल नामक काव्य संग्रह है निराला का, उसमें ये संकलित है। तो ध्यान में रखिए, जूही की कली परिमल 1930 में प्रकाशित हुआ था, उसमें संकलित है। हालांकि जूही की कली से एक तथ्य जुड़ा हुआ है कि सबसे पहले सन 1916 ईस्वी के आसपास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरस्वती पत्रिका में इसे प्रकाशित होने के लिए भेजा था, लेकिन इस पर अश्लीलता और नैतिकता का आरोप लगाते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से इनकार कर दिया था। तो आगे वही पॉइंट है कि सरस्वती पत्रिका में छपने से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मना कर दिया था। तो ये चर्चा का विषय हो गया कि महाकवि निराला जैसे कवियों की रचनाओं को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्यों वापस किया, खासतौर से जूही की कली के संदर्भ में ये आता है। अगली पंक्ति है जो कि थोड़ा सा ऊर्जा से भरी हुई पंक्ति है कि जागो फिर एक बार, इसका भी संकलन 1930 ईस्वी में हुआ था। परिमल काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने कविता की मुक्ति की बात को उठाया है। उन्होंने लिखा कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, इस बात को निराला ने उठाया। आप ध्यान दीजिए कि जब निराला प्रसाद इत्यादि लिख रहे थे तो उस समय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, तो उस समय राजनीतिक रूप से मुक्ति, सामाजिक रूप से मुक्ति की बात तो चल ही रही थी, देश की आज़ादी की लड़ाई भी चल रही थी। लेकिन कवियों का एक दायित्व था कि जैसे मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठा रहा है, तो कविता को क्यों छंद में रखकर देखा जाए। तो एक तरीके से परिमल की भूमिका में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा कि जिस तरह से मनुष्यों की मुक्ति की बात होती है, वैसे ही कविता की भी मुक्ति की बात होनी चाहिए, कविता को भी मुक्त करना चाहिए। अगली जो रचना है सरोज स्मृति, जो कि काफ़ी फेमस रचना, 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये अनामिका नामक काव्य संग्रह है, उसमें संकलित है। हालांकि अनामिका इससे पहले 1923 ईस्वी में भी प्रकाशित हुआ था, बाद में उसका जो दूसरा संस्करण था 1938 ईस्वी में निकला था। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये दोनों संस्करणों को ध्यान में रखिए कि अनामिका के अब तक दो संस्करण मौजूद हैं। अगला जो पॉइंट है सरोज स्मृति से संबंधित है कि यह एक शोक गीत है। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है, तो शोक गीत है, जिसे निराला ने अपनी पुत्री सरोज की याद में लिखी है। हिंदी साहित्य में पहली बार एक पिता अपनी पुत्री को काव्य का विषय बनाया है। ठीक है, अगली जो रचना है राम की शक्ति पूजा, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था और अनामिका काव्य संग्रह में ये संकलित है। राम की शक्ति पूजा का जो मूल आधार है वो बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण, ये खूब एग्जाम में पूछा गया है, इसको इम्पॉर्टेंट करके आप नोट कर लीजिए कि कृतवास रामायण पर आधारित है राम की शक्ति पूजा। ये वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के आधार पर नहीं है, बल्कि बांग्ला के कवि कृतवास के रामायण पर आधारित है। रामविलास शर्मा, जिन्होंने की निराला पर खूब काम किया है, उनके अनुसार सरोज स्मृति और तुलसीदास का मिश्रण राम की शक्ति पूजा में दिखाई पड़ता है। अगली जो रचना है कुकुरमुत्ता, जिसका प्रकाशन सन 1941 ईस्वी में हुआ था। कुकुरमुत्ता नामक काव्य संग्रह में ही कुकुरमुत्ता एक प्रगतिवादी चेतना से लिखी गई कविता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। अगली जो कविता लगी हुई है आपके पाठ्यक्रम में बाधों ननाव इस ठाँव बंधु, जिसका संकलन अर्चना नामक काव्य संग्रह में हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। अर्चना में बाधों ननाव इस ठाँव बंधु, जैसा कि मैं बता रहा था कि अनामिका का प्रथम संस्करण 1923 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा संस्करण 1938 में आया, और जो दो महान रचनाएं हैं सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, ये दोनों आपकी अनामिका में हैं। तो देख रहे हैं कि अनामिका कितना महत्वपूर्ण है। अगर कुछ पंक्तियों पर चर्चा करें तो ये पंक्ति कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उधर जयशंकर प्रसाद आंसू नाम की कविता को लिख रहे हैं और उसमें भी अपने दुख को व्यक्त किया उन्होंने, और इधर निराला जिन्होंने कि काफ़ी संघर्ष सहा पारिवारिक रूप से, वो रहे, उनकी पत्नी का निधन जल्दी हो गया और पुत्री का भी हो गया। आप लगातार लेक्चर्स में सुने होंगे अपने कॉलेजेस और महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के टीचर्स द्वारा, यहाँ पर भी मैं ज़्यादा उस विस्तार में नहीं जाऊँगा, लेकिन इस पंक्ति को आप ध्यान में रखिए कि ये निराला की पंक्ति है, मेन इंपॉर्टेंट बात यही है। अगली जो पंक्ति है कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर, ये राम की शक्ति पूजा से है। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खोज रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, ये भी राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। और ये पंक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, आमतौर पर यही देखते हैं वर्तमान समय में, ये पंक्ति काफ़ी प्रासंगिक है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। राम की शक्ति पूजा की कुछ ऐसी पंक्तियाँ हैं जो कि हताश निराश व्यक्ति को एक आत्मविश्वास देती हैं, शक्ति ऊर्जा प्रदान करती हैं, क्योंकि कोई
हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में परेशान है, हताश है, निराश है, चाहे वो परीक्षा में प्रतियोगी छात्र के रूप में हो, चाहे नौकरी करते हुए अपनी नौकरी में हो, या फिर घर परिवार को संभालने में हो, या फिर तमाम तरीके की परेशानियाँ मनुष्य के जीवन में आती रही हैं और लगातार तो ये सब परेशानियों के बारे में मैंने चर्चा किया। तो ये पंक्ति इस दृष्टिकोण से प्रासंगिक है कि इसको याद करके लगता है कि जैसे राम की शक्ति पूजा में राम परेशानियों से मुक्ति पाते हैं, वैसे ही एक सामान्य जीव भी पा सकता है। ठीक है, यही है साहित्य पढ़ने का मतलब भी। अगली जो पंक्ति है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन अर्चन, इस टाइप से ये पंक्ति है, ये राम की शक्ति पूजा से है। अगली पंक्ति है कि छोड़ दो समर जब तक नशी धो रघुनंदन। आप देखते हैं कि राम की शक्ति पूजा में राम कई बार हताश निराश होते हैं। राम को गांधी जी से भी जोड़कर देखा जाता है। अगली पंक्ति है धिक जीवन को जो पाता हो आया विरोध, पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये भी पंक्ति परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पंक्ति जो है कि वह एक और मन रहा राम का जो न थका। आप लोगों के भी मन दो प्रकार के हैं, एक मन है जिसको लगता है कि अभी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, दूसरा मन कहता है कि नहीं तैयारी कंप्लीट है, हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो ये आगे पीछे करने वाले मन है। तो जिसमें कि एक मन हमेशा आपको ऊर्जावान बनाए रखता है, वो कभी नहीं थकता है, और इसी कारण आप लगातार परीक्षाओं में असफल होने के बावजूद भी आप सफलता की राह में चलते रहे हैं। कई लोग जल्दी से सफलता पा जाते हैं, कईयों को थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन ये मानकर नहीं चला जाएगा कि वो अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। तो राम की शक्ति पूजा की कुछ कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं कि जो कि आपको एनर्जी से भर देती हैं। वह एक और मन रहा राम का जो न थका। ठीक है, अगली पंक्ति है कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरुष चरण, पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन। ये उस समय की पंक्ति है जब निराला जब राम की एक तरीके से परीक्षा ली जा रही थी और 108 फूल चढ़ाने थे, उसमें से शक्ति ने दो फूल को छिपा लिया और चेक करने के लिए, तो राम को याद आया कि उनकी माता उन्हें राजीव नयन कहा करती थी। राजीव मतलब कमल होता है, तो फिर वो अपनी दोनों आँखों को निकालने की कोशिश करते हैं, तब तक शक्ति आ जाती हैं और उनको कहती हैं कि होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन। ठीक है, तो इस तरीके से राम की शक्ति पूजा का अंत हो जाता है। राम की शक्ति पूजा में आप देखेंगे कि 312 लाइन के बाद पहला फुल स्टॉप आता है। ये भी तथ्य आप ध्यान में रखें कि पहला फुल स्टॉप 312 पंक्तियों के बाद आता है। अगली जो पंक्ति है वो है कि अबे सुनबे गुलाब, इनकी एक रचना से है, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। बाधो न नाव इस ठाव बंधु से पंक्ति है कि यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कंपते थे दोनों पांव बंधु। तो इसको आप तुरंत पकड़ भी लेंगे कि किस कविता से ली गई है। अब बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत पे, जो कि आपके पाठ्यक्रम में इनकी कुछ कविताएं लगी हुई हैं, जिसमें प्रथम रस भी, जिसका कि प्रकाशन 1919 ईस्वी में हुआ था, यह बीड़ा नामक काव्य संग्रह में संकलित है। दूसरी कविता है परिवर्तन, जिसका प्रकाशन 1924 ईस्वी में हुआ था और पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। पल्लव की भूमिका को छायावाद की घोषणा पत्र कहा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट रूप में आप याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगली जो कविता है द्रुत झरो जगत जगत के जीर्ण पत्र, 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और युगांत नामक काव्य संग्रह, युगांत जिसे छायावाद के अंत की घोषणा भी माना जाता है कि इस रचना से छायावाद का अंत हो गया था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिए। और ये जो पंक्ति है, कविता का शीर्षक है कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। कुछ पंक्तियों को हम पढ़ लेते हैं, जिसमें कि पहली पंक्ति है प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, ये पंत द्वारा लिखी गई है। शशि किरणों से उतर कर भू पर काम रूप नमचर, चूम नवल कलियों का मृद सुख, सिखा रहे थे मुस्काना, ये भी पंत की पंक्ति है। अरे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुणा विवर्धन तुम्हारा ही नयनोन्मिलन, ये भी पंथ की है। और जिस पंक्ति की मैं चर्चा कर रहा था कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये हे स्वस्थ ध्वस्त हे सुख शीर्ण, तो ये पंथ द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियाँ हैं। तो उम्मीद है कि पंथ की जो कविताएँ आपके पाठ्यक्रम में शामिल रही हैं वो किस काव्य संग्रह में, ये भी पता चल गया होगा। और परिवर्तन नामक बल्कि नौका बिहार आप सभी को नहीं पढ़ना है, उसमें जो नायिका का रूप है मुग्धा नायिका के रूप में है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, मुग्धा अभिसारिका। ठीक है, तो खैर वो तो पाठ्यक्रम में है ही नहीं, और जिन कविताओं के बारे में मैंने चर्चा किया उनको ध्यान में रखिए। अगली जो रचनाकार है महादेवी वर्मा की कुछ कविताएं पाठ्यक्रम में लगी हैं, जिसमें कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ,
निर्जा जिसका प्रकाशन 1934 में था उसमें संकलित है। सबसे फेमस जो उनकी कविता है मैं नीर भरी दुख की बदरी, ये सांदगीत में प्रकाशित है। फिर विकल हैं प्राण मेरे, ये भी सांदगीत में है। यह मंदिर का दीपक इसे नीरव जलने दो, यह दीपशिखा में संकलित है। तो ये कुछ पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए, हो सकता है कि परीक्षा में केवल पंक्तियाँ ही पूछ दी जाएँ और किसकी हैं ये और किस काव्य संग्रह में संकलित हैं ये भी आप ध्यान रखिए। मैं नीर भरी दुख की बदरी का एक जो अंश है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है कि सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोना कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिटी आज चली। ठीक है, तो इतना दूर ये पंक्ति पूछी जाती है कई बार, मेरा न कभी अपना होना परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मीट आज चली, ये महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं। आगे अगर हम चर्चा करें रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी, आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है उर्वशी, जिसका कि प्रकाशन 1961 में हुआ था, यह कुल 5 अंकों में विभक्त है। उर्वशी को गीति नाट्य भी कहा जाता है, आप हिंदी साहित्य में कई गीति नाट्यों का नाम सुने होंगे उसमें से उर्वशी भी एक है। उर्वशी को 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसे कि हिंदी साहित्य या फिर साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, 1972 में दिया गया था। अगर इसके कुछ पात्रों पर चर्चा करें, क्योंकि पात्रों से संबंधित कुछ प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी इत्यादि की परीक्षाओं में आ चुके हैं तो पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ध्यान रखने की जरूरत है। पुरुष पात्रों की अगर चर्चा करें तो पुरूर्वा जो कि वेदकालीन प्रतिष्ठानपुर के विक्रमी एल राजा है और यही नायक भी है। महर्षि चोयन प्रसिद्ध भृगुवंशी वेदकालीन महर्षि हैं, चोयन का नाम याद रखिए, इसी से लग रहा है कि चोयन प्रास भी नाम पड़ा हुआ है, तो ध्यान में रखें कि चयन नाम के जो कवि हैं वो उर्वशी में हैं। आयु पुरूर्वा उर्वशी का पुत्र है, इसको भी इम्पोर्टेंट रूप में ध्यान में रखिए। विश्वमना जो कि राजा ज्योतिषी हैं। नारी पात्रों की अगर चर्चा करें तो इसमें उर्वशी जो कि एक अप्सरा है और नायिका भी है। अवशिनरी ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस कविता का पात्र है या फिर काव्य का पात्र है, अवशिनरी ये पुरूर्वा पत्नी प्रतिष्ठानपुर की महारानी है। सुकन्या जो कि चयन ऋषि की सहधर्मिणी भी है। तो इस तरीके से कुछ पात्रों के बारे में हमने चर्चा किया, पुरुष और नारी पात्रों के बारे में। उम्मीद है कि आप सभी को अब ये क्लियर हो गया होगा कि किसका किसका कौन पात्र है। रश्मिरथी जो कि रामधारी सिंह दिनकर का अगला काव्य लगा हुआ है आपके पाठ्यक्रम में, जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ था, यह कुल 7 सर्गों में है। यह खंड काव्य है, ऊपर मैंने बताया कि वो गीति नाट्य काव्य है, यह रश्मिरथी क्या है, खंड काव्य है। और इसकी जो सबसे फेमस पंक्ति है कि याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। कई बार आप भाषण मंचों से इसको सुने होंगे या फिर जब भी उत्तेजक या ऊर्जा से भरने के लिए कोई बात कही जाती है तो इस पंक्ति का उपयोग किया जाता है। अगले जो कवि हैं नागार्जुन, जिनकी कुछ कविताएँ आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, जिसमें कि कालिदास सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1959 में हुआ था। इसके अलावा बादल को घिरते देखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति कविता भी है जो 1938 में प्रकाशित हुई थी। युगधारा नाम की जो नाम का काव्य संग्रह है उसमें प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखिए कि नागार्जुन का युगधारा और इसी से जुड़ता हुआ है युग की गंगा, जो कि नागार्जुन के समकालीन केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, और ये दोनों रचनाएँ खूब परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इसलिए इसको आप क्लियर करके रखिए। अगली जो कविता है मनुष्य हूँ, जो कि युगधारा में संकलित है, और नागार्जुन की सबसे फेमस कविता अकाल और उसके बाद, ठीक है, 8 लाइनों की एक कविता है, 2 पदबंधों में है, 4-4 लाइनों में। इसका प्रकाशन 1952 में हुआ था, सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में इसका संकलन है। ठीक है, अगली कविता है खुरदरे पैर, जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ था, सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में हुआ था। और एक कविता और लगी है शासन की बंदूक, जिसका प्रकाशन 1966 में हुआ था। इस तरीके से हमने नागार्जुन के कविताओं को नागार्जुन की कविताओं को देखा और ये भी देखा कि किस काव्य संग्रह में ये संकलित हैं। अगले कवि के बारे में हम चर्चा करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनकी कुछ कविताएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं और वे कविताएं किन किन काव्य संग्रहों में संकलित हैं उसको भी देखेंगे, जिसमें पहली जो कविता है कलगी बाजरे की, जिसका संकलन है हरी घास क्षण भर पर। हरी घास क्षण भर ये उसी काव्य संग्रह से ली गई है, यानी कि हरी घास क्षण भर से ही। यह दीप अकेला, जिसका कि संकलन बावड़ा अहेरी नामक काव्य संग्रह में हुआ है। असाध्य बीड़ा ये लगभग सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है और आप सभी ने इसको पहले भी पढ़ लिया होगा, जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ था, आंगन के पार द्वार नामक ये काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है, असाध्य बीड़ा एक लंबी कविता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है किस तरीके की कविता है, लंबी कविता है। इसका जो मूल भाव है विषय वस्तु है अहम का विसर्जन है। ठीक है, यानी कि मैं का क्या है, इसमें विसर्जन हो जाता है।
अज्ञेय को कितनी नाव में कितनी बार, अज्ञेय की जो कविता है कितनी नाव में कितनी बार, इसका जो संकलन है ये कितनी नाव में कितनी बार में ही संकलित है। अज्ञेय एक ऐसे कवि आपके पाठ्यक्रम में दिखाई पड़ रहे हैं जिनको कि साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों मिला हुआ है, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि किन किन रचनाओं पर इनको साहित्य अकादमी मिला और किस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ताकि परीक्षा के समय पहले ही आपका थोड़ा सा क्लियर भी हो जाए, ताकि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप उसे सही कर पाएँ। अगले जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र की दो कविताएं आपको पढ़ना है, गीत फरोश जिसका कि संकलन गीत फरोश काव्य संग्रह में हुआ है, सतपुड़ा के जंगल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जिसका कि संकलन गीत फरोश नामक काव्य संग्रह में हुआ है, तो इन दो कविताओं को ध्यान में रखिए भवानी प्रसाद मिश्र की। अब बात करते हैं मुक्तिबोध, मुक्तिबोध की कुछ कविताओं को पढ़ना है जिसमें कि भूल गलती चाँद का मुँह टेढ़ा है जिसका प्रकाशन सन 1964 ईस्वी में हुआ था उसमें संकलित है, ब्रह्म राक्षस जिसका भी संकलन चाँद का मुँह टेढ़ा में ही है, अंधेरे में जिसकी वजह से मुक्तिबोध जाने जाते हैं, चाँद का मुँह टेढ़ा 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था अंधेरे में, अंधेरे में असाध्य बीड़ा की तरह ये एक लंबी कविता है, तो ध्यान में रखिए ये एक लंबी कविता है। अंधेरे से संबंधित कुछ तथ्यात्मक जानकारियाँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका पहला प्रकाशन कल्पना नामक पत्रिका जो कि हैदराबाद से प्रकाशित होती थी 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था, आशंका के द्वीप अंधेरे में, ठीक है। और ये कविता कुल 8 खंडों में है, अब जब प्रतिनिधि कविताओं का एक संकलन आता है उसको पढ़ेंगे तो आपको 8 खंडों में दिखाई पड़ेगा, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध पर विचार करते हुए लिखा और खासतौर से अंधेरे के बारे में लिखा है कि यह कविता अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता है। नामवर सिंह ने कहा कि परम अभिव्यक्ति की खोज या अस्मिता की खोज से जोड़कर इसको देखा है। और सबसे जो फेमस पंक्ति है अंधेरे की, वैसे बहुत सारी फेमस पंक्तियाँ हैं लेकिन ज़्यादातर कही जाती है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, ठीक है। जब आप पहले JNU जाते तो वहाँ पर पोस्टर हर सेंटर्स में चिपकाया रहता था, अब शायद उसको हटा दिया गया है, लेकिन ये सारी कविताएँ उस कैंपस में आपको पढ़ने देखने को मिलती थी पहले। तो अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, और बाकी अब जो भी क्रांतिकारी होते हैं, युवा होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, वो इस कविता को बार बार पढ़ते रहते हैं। अगले जो कवि हैं धूमिल, धूमिल के बारे में चर्चा करें तो इनकी कुछ कविताएं लगी हुई हैं जिसमें कि नक्सलबाड़ी जो कि संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित है, मोचीराम ये भी संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में है, अकाल दर्शन संसद से सड़क तक, आप देख रहे हैं कि अकाल और उसके बाद नागार्जुन की कविता थी, यहाँ पर अकाल दर्शन है जो कि धूमिल की है, रोटी और संसद ये है कल सुनना मुझे, आप ध्यान रखिए संसद से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ था वो नक्सलबाड़ी है, मोचीराम है, अकाल दर्शन है, लेकिन रोटी और संसद संसद से सड़क तक नहीं है बल्कि कल सुनना मुझे इस संकलन में संकलित है, ठीक है। कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, एक तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी सेकता है बल्कि रोटियों से खेलता है, वो तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है, ये कविता है। और धूमिल भी एक क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाते हैं, उनकी कई पंक्तियाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हैं, एक तो एक कविता तमीज सिखाने के रूप में लिखी जाती है, कई बार एक कोटेशन आता है, कभी मौका मिलेगा तो हम इसको और अच्छे से बता देंगे। तो इस तरीके से हमने कुल 12 कवियों को देखने की कोशिश की, उनसे जुड़े हुए तथ्यात्मक जानकारियों को बताने की कोशिश की, उम्मीद है कि परीक्षा के पहले ये सारे तथ्यात्मक जानकारियाँ आपके लिए काफ़ी राहत देने वाली होंगी, कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।